डोंट शेक इट एंड डोंट ओपन देख ले कलर देख ले सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आकांक्षा स्वामी व्लॉग्स। सो आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ ब्यूटी एक्सपो। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइवेट गाड़ी अंदर अलाउड नहीं थी, तो हम वहाँ से जो टैक्सीज अवेलेबल करी हुई थी हमारे लिए वो उस पर बैठ के हम गए। ये फ्री टैक्सीज थी उनकी तरफ से। तो हमें जाना था हॉल नंबर 12 में जहाँ ब्यूटी एक्सपो लगा हुआ था। तो टैक्सी वाले भैया बिल्कुल गेट पर ही छोड़ रहे थे, तो उन्होंने छोड़ा और उसके बाद आप देखेंगे येलो कार्पेट हमारे सबके लिए बिछा हुआ था। ब्रांड की होल्डिंग्स लगे हुए थे बहुत काफ़ी बड़े बड़े, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा हॉल था। और ये रही उसकी एंट्रेंस, यहाँ से हमने एंट्री ली। एंट्री लेते ही आप देखते हो काफ़ी सारे ब्रांड्स दिखेंगे और बहुत क्राउडेड हो रखा था। एक मतलब मैंने तो बहुत सारे ब्रांड्स के नाम भी नहीं सुने थे। और वहाँ पे स्कीम्स थी बाय टू गेट वन, बाय वन गेट वन, बहुत सारी। जैसे कि ये नेल्स का स्टूडियो है, मैंने इसका भी नहीं सुना था, बट जो नेल्स का काम करते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड का अपना नेल स्टूडियो है साइबाबाद में वहाँ नेल्स के नाम से, तो उसने यहाँ से बहुत सारा सामान लिया। और यहाँ प्रोफेशनल नेल्स का सामान मिलता है, जैसे कि ये भी ब्रांड नेल्स के ही थे। उसके बाद वहाँ आपको पैक भी मिलेगा, जैसे मुझे दिखा, अब तो आई थिंक नहीं चल रहा, बट जब चलेगा तो वहाँ पर पैक भी था। और वहाँ पर एक मेकअप मास्टर क्लास भी चल रही थी पैक की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हैं एक मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी वो पूरा क्लास दे रही थी। फिर मिस्टर बाबा का भी आपको सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, फेस कैटेगरी, हेयर कैटेगरी, नेल्स कैटेगरी, सारी कैटेगरीज वहाँ मिल जाएंगी। और उनकी तरफ से भी मास्टर क्लास चल रही थी दोनों साइड वहाँ पे। आई थिंक फैक्ट्री समथिंग कोई ब्रांड था, उनकी तरफ से मास्टर क्लास थी, यहाँ पे मिस्टर बाबा की तरफ से। देन हम यहाँ क्यूट सी छोटी सी शॉप में, जो ये होम मेड स्किन केयर बनाते हैं और बॉडी केयर बनाते हैं, काफ़ी अच्छे थे इनके प्रोडक्ट और इन्होंने हमें सैम्पल्स भी दिए। उसके बाद ये आपका फूड कॉर्नर आ गया, तो यहाँ से आपको कूपन्स कलेक्ट करने थे। फिर आपको यहाँ वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, चाइनीज़ सब मिल जाता था। तो सबसे पहले हमने ली यहाँ से बिरयानी, बिरयानी के बाद हमने यहाँ से पिक किया। फिर वहाँ आपको मटर कुलचे भी दिखेंगे, वो भी हमने लिए, काफ़ी यम थे। मतलब खाना ठीक ठीक था अकॉर्डिंग टू इतना सारे क्राउड के हिसाब से। फिर यहाँ से पाव भाजी भी दी हमने, वो भी खाई, तो हमें पाव भाजी भी अच्छी लगी थी। मतलब अगर देखे ना क्राउड के हिसाब से तो खाना ठीक था। जैसे बहुत होता है ना क्राउड ज़्यादा होता है, खाना बिल्कुल ही वाहियात होता है, नहीं ऐसा नहीं था, खाना अच्छा था, बस थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पैक वालों ने इतना बड़ा अपना एक वो लगा रखा था काउंटर, जिसमें यहाँ मिल रहे थे आपको सारे एक्सेसरीज, जितने भी ब्रशेस थे सब मिल रहे थे। उसके बगल में आपके ये इसके की वो लगी हुई थी, ई इसके आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, इनका लगा हुआ था, हेयर का, स्किन केयर का, हर एक चीज़ का, एच एन के, काफ़ी सारे ब्रांड्स थे यार, मुझे तो सच्ची बताऊँ नाम भी याद नहीं है। फिर एक इंस्टाग्राम पेज का भी कोई स्टोर था, जो अपने ब्रशेस, अपनी मशीन्स और ये जैसे मेकअप बॉक्स होते हैं, ये नेल्स वो होता है नेल आर्ट करने के लिए, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ, तो इन सब का भी सामान मिल रहा था। तो यार मैंने वहाँ जाके देखा कि आप ना वहाँ बहुत अच्छी अच्छी डील्स ले सकते थे, जैसे कि ये आप देख सकते हैं सलून का भी वहाँ बहुत सारा सामान मिल रहा था, ये सलून सीट्स मिल रहे थे। तो इसमें तो हम वी इंजॉइंग ये बूमरैंग है, सो मैंने ऐसी जितने क्यूट क्यूट हमारे मोमेंट्स थे वो सारे डाले, जो मैंने थोड़े थोड़े अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ या बूमरैंग्स बनाई। देन हमने फिर से खाना वाना खा के इंजॉय इंजॉय करके फिर हम आ गए यहाँ पे। कलर सेंस का भी लगा हुआ था यार, मतलब मैं छोटे से लेके बड़े ब्रांड्स भी थे, ऐसा नहीं था सारे छोटे या बड़े, हर ब्रांड का मतलब हर इंसान ले सकता था, हर कैटेगरी का बंदा ले सकता था। कीरा फाइन का स्किन के हेयर केयर मिल रहा था यहाँ पे, और बहुत अच्छी डील थी, आई थिंक ये कुछ 7000 का कलर भी फ्री दे रहे थे। फिर हमने यहाँ से खाना लेने आ गए थे फूड कोर्ट से, यस, बट ये इस बार हमारे लिए नहीं था, मैं अपनी फ्रेंड के भाभी और मम्मी के साथ गई थी, तो वो भी बहुत थक गए थे उस टाइम, उन्होंने नहीं खाया था, तो हम उनके लिए लेने आए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ यमी यमी डोसा बन रहा है, ये बिल्कुल आलू मसाला प्लेन डोसा था, मतलब इसमें मसाले वाले इतने आलू भी नहीं थे और नॉर्मल आलू वाला डोसा था जैसे कि बोल सकते हैं। और दूसरे हमने ली थाली, थाली भी वहाँ पर मुझे सही लगी, क्योंकि आई थिंक थाली एक ऐसी चीज़ होती है जो एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि वेजिटेरियन ज़्यादातर थाली प्रेफर करते हैं, उसमें आपको बहुत सारी सब्जियां वब्जियाँ सब मिल जाती हैं, रोटी चावल, जो लोग ऐसे चाइनीज़ साउथ इंडियंस नहीं खाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी प्रेफरेंस है थाली। फिर हम आ जाते हैं फैशन कलर की तरफ, ये शॉप है एक,
उनकी भी पूरा वो लगा हुआ था यार। यहाँ पे आपको लाइक मेकअप, स्किन केयर, ब्यूटी से रिलेटेड हेयर केयर, बॉडी केयर, हर एक चीज मिल जाती यहाँ पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये आप पहले वीडियो देखें। आकाशा टट्टी पकड़ ले। जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे काफ़ी टाइम से, आई डोंट नो ये टर्किश आइसक्रीम होती है कौन सी कहते हैं इसे, बट ये आइसक्रीम खाने का। तो मेरी फ्रेंड ने अपने लिए हेयर प्रोडक्ट्स लिए थे, वर्थ समथिंग था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो उसके साथ ये फ्री मिल रही थी, तो बड़ा मज़ा आया। और वो भी देखो कितने मज़े ले रहे हैं। यस, फिर हम थोड़ी आगे गए तो वहाँ था फॉरएवर 52 का, और वहाँ पर इतनी तगड़ी भीड़, लाइक ऐसे टूटे पड़े थे लोग यार, मैं बता नहीं सकती, मतलब पागल हो रखे थे फॉरएवर 52 के पीछे। तो मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं तो भटकती फिर रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, मतलब इतना ज़्यादा। मैंने तो वहाँ से कुछ शॉप ही नहीं किया सही बताऊँ तो, क्योंकि मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो गई ना, जिसकी हद नहीं है। तो 52 की तरफ से यहाँ पे ये फ्री गिफ्ट्स भी दे रहे थे कुछ, अगर आपका कूपन वूपन निकलता है तो। पीछे गेम्स खिला रहे थे, आगे वो अपने काउंटर पर सेल कर रहे थे, तो सही था। हर काउंटर पे ऐसे ही था कि वहाँ पे आपका मेकअप चल रहा है काउंटर पे, और आपका काउंटर पे सेल भी हो रहा है, तो काफ़ी सही था। और हम निकल गए थे, फिर निकलते हुए हमें टैक्सी नहीं मिली, उन्होंने बोल दिया कि नहीं चल रही, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। फिर थोड़ी आगे जाके हमें एक टैक्सी वाले भैया ने खुद रोका, बोला चलो आओ बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो फिर हमें उन्होंने छोड़ दी। अगर नेक्स्ट टाइम लगे और आप इस बार नहीं गए तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। एंट्री फ्री होती है, आपने फ्री पास बनाना है अपना, सबसे बढ़िया वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जिनकी आपको नॉलेज मिलेगी, आपको मेकअप सीखने को मिलेगा, हेयर स्टाइलिंग सीखने को मिलेगी। तो मैं जा रही हूँ पिक्चर देखने फैमिली के साथ, मतलब मम्मी और बहन के साथ, और मैं रेडी हूँ। शेंग को माने आई थी छत पे, मैंने सोचा व्लॉगिंग कर ली जाए थोड़ी बहुत। सॉरी, ये रहा शेंग की, इसे मिलो गुच्ची, इसे नीचे आने की हो रही है, तो इसे नीचे लेके चलते हैं। चलो चलो चलो, ये गुच्ची चलो, अच्छा मैं चलो पहले, ओके चलो। नीचे कोई रेडी नहीं हुआ है, बहुत ही बढ़िया फेस पे थी टैनिंग, क्या ही बोलूँ। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं और भागते हैं। बीच का कोई शो देखने जा रहे हैं और अंधेरा भी बहुत हो गया है, मौसम बड़ा सही हो गया है, सुहाना सा, बारिश आ सकती है, और इसके आप फेसेस देख सकते हैं, अनचंड बना रही है। सो चलो, अब रिक्शे वाले भैया भी बहुत तेज चला रहे हैं, बट कोई नहीं, हम पहुंच जाएंगे 20-30 मिनट लेट हैं, आप राइड कर लो, कुछ नहीं होता, हो जाता है सम टाइम्स ना। वैसे मैं कभी मूवी के लिए लेट नहीं होती, बट कुछ लोगों के साथ हो जाता है। तो चलो अब हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो थैंक यू, जल्दी मिलते हैं, बाय। लेट लतीफ घुस रहे हैं, आई थिंक ये वाला खोलना होगा ना, आर यू श्योर यही है, मे बी। तो यह
यहाँ मैंने दोनों व्लॉग्स मिला दिए हैं क्योंकि जो मूवी वाला था उसमें कुछ ऐसा कुछ बना नहीं था, और ब्यूटी एक्सपो वाला भी उसमें मैं वहाँ यार बात कर इतना शोर हो रहा था ना, इतना चीज़ कर दिया, वहाँ बात नहीं कर पाई, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है, और वहाँ के ब्रांड्स का आप समझ नहीं पाते इसलिए मैं वॉइस ओवर कर चुकी हूँ। आई होप आपको वॉइस ओवर में अच्छा लगे, समझ आए कुछ, पर अगर आपका आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया तो ज़रूर जाके एक्सपीरियंस लें एक बार। अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड आपको अच्छा लगता है या फिर आप इंटरेस्टेड है उससे रिलेटेड तो ज़रूर जाएं, फ्री पासिस होते हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ वो भी नहीं होता, और आपको बहुत ब्रांड्स, बहुत नेल नेल ब्रांड्स, हेयर ब्रांड्स, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे मास्टर क्लासेस भी चलती हैं रिलेटेड हेयर मेकअप सब चीज़ के लिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और मूवी भी काफ़ी अच्छी थी, अगर मूवी का रिव्यू करूँ तो काफ़ी कॉमेडी थी। देखो वो जो भूलभुलैया थी फर्स्ट वाली उसको अलग रखो और इसको अलग रखो, दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छी थी। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल, बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी सेफ, लव यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।